हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो आज की डेट में ऑलरेडी आ, आ चुकी है फूड वर्क देख लीजिएगा समझ लीजिएगा उसके बाद यहाँ पर रिएक्ट कीजिएगा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करें ताकि सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन स्टॉक्स से रिलेटेड जो आपने थमनेल में देख लिया है वो स्टॉक जो मैंने आज की डेट में खरीदे हैं कल की डेट में अलग स्टॉक्स खरीदूंगा तो मैं उसके बारे में भी आपको कल की कल ही बताऊंगा बट अभी अगर हम बात करें आज की डेट में हमने कुछ स्टॉक्स यहाँ परचेस करे मार्केट से किस बेसिस की करनी है। और यहाँ पर हमारे जो आपका खुद का चैनल करिए वीडियो को लास्ट तक देखिए शेयर करे जितना हो सके हमें सपोर्ट करे बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं प्लेलिस्ट को थ्रू करिए और अगर हमारी पर्सनल सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा आपको वहां पर पिंग करिए एज ए मार्केट में बेहतरीन स्टॉक कौन से आप चुन सकते हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से कब बेचना है कब खरीदना है उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी मिल जाएगी तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं देखिए कुछ दिन पहले हमने आपको एक स्टॉक से रिलेटेड यहां पर बताया था सबसे पहले मैं वो बता देता हूं श्रीराम सिटी यूनियन इसका टारगेट मैंने आपको चार हजार रुपए बताया था और आज की डेट में अगर देखे तो लगभग शेयर छह परसेंट यहाँ पर जंप किया था उसके बाद यहाँ पर थोड़ा रेट रेस हो गया था तो यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा कल परसों की डेट में ही यहाँ पर यहाँ पर शेयर बताया था आपकी डेट में यहाँ पर इफ आई एम नॉट श्रीराम सिटी यूनियन देखिए तीन दिन पहले यहाँ पर बताया था फोर्टी फोर हंड्रेड का यहाँ पर टारगेट भी बताया था तो यहाँ पर इसी चीजों को किस बेस पे बताते हैं वो चीजें समझिए करे यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट था तो यहाँ पर अच्छा खासा शेयर भागने लग गया अब बात करते हैं वो स्टॉक से रिलेटेड जो मैंने आज की डेट में पिक करे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सब में मैंने बाय डिप्स कर रहा हूँ ओके okay, यहाँ पर ये समझ लीजिएगा मेरे पास शेयर ऑलरेडी थे या मैंने वो शेयर बेच दिए थे तो वहां पर मैं दोबारा यहाँ पर पोजीशन बना रहा हूँ क्योंकि वो शेयर दोबारा यहाँ पर मेरे जो जिस लेवल पर मुझे खरीदने थे उस लेवल पर वो मुझे यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आरती सरफेक्टेंट आरती सरफेक्ट की बात करें तो एक बेहतरीन लेवल पर ये शेयर चल रहा है और इसका एक जो सपोर्ट है बहुत बेहतरीन सपोर्ट है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अप्रैल से लेके अभी तक लगभग चार पांच छह महीने हो चुके हैं ये शेयर एक ही रेंज में ट्रेड

अच्छा बेहतरीन शेयर है स्मॉल कैप कंपनी है अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और यहाँ पर अगर देखिए पहले आपको पहले भी इस लेवल पर बताया दोबारा इस लेवल पर बता रहा हूँ इस बार के रिजल्ट शायद और बेहतरीन आते हुए नजर आए और एक बार अगर क्योंकि क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं इसे क्योंकि देखिए फार्मा से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है और फार्मा सारी कंपनी यहाँ पर सॉरी फार्मा नहीं केमिकल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है और वो भी कौन से केमिकल्स जो आपके डेली यूजेस हमें आप प्रोडक्ट यूज करते हैं एच या डिफरेंट डिफरेंट कंपनी

जितनी मेटल से रिलेटेड है आयरन से रिलेटेड है ये वो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ओके आ, अभी है, कल की डेट में टाटा बी आए थे बेहतरीन रिजल्ट आए थे यहाँ पर अगर बात करें ये भी कंपनी कंपनी उसी फील्ड में आती है 20 की है।, है, है, yearly, है है डेट डेट की स्मॉल कैप और ऐसी कंपनी है जो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है हाइस्ट लेवल रिजल्ट दिखा चुकी है दोबारा रिजल्ट अच्छे खासे आने की उम्मीद है और नहीं भी आए फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर बायोडिप्स श्याम मेटालिक इसके अलावा एक और शेयर से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ

लोअर सर्किट में ही खरीदा था और यहां पर अगर हम बात करें शेयर अच्छा खासा यहाँ पर चल रहा है अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है यहाँ से ज्यादा ये करेक्ट होने वाला नहीं है फिफ्टी डी के आसपास चल रहा है और गिरेगा तो और बाय ऑन डिप्स करेंगे इसके अभी फार्मा का बिजनेस डी मर्ज हो रहा है और जब ये हो जाएगा तो ये शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करी थी शेयर नीचे आ गया है दोबारा यहाँ पर से अगर ऊपर की तरफ भागेगा दोबारा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे रिजल्ट पेंडिंग है बेहतरीन कंपनी है केमिकल्स कंपनी की और ये बोनस भी देती है स्प्लिट भी देती है ऐसी कंपनी को कौन छोड़ना चाहेगा मैं तो एटलीस्ट यहाँ पर नीचे छोड़ूंगा इसके अलावा एक नई कंपनी यहाँ पर एमी ऑर्गेनिक्स एमी ऑर्गेनिक्स के यहाँ पर कुछ शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं क्यों उठाए गए है? क्योंकि अगर हम देखें तो काफी टाइम से यहाँ पर एक ही रेंज में ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है काफी बेहतरीन सपोर्ट पे यहाँ पर आया है ये सपोर्ट इसका बेहतरीन सपोर्ट है गिरा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गिर सकता है ओके okay, यहाँ पर गिरावट हो सकती है बट गिरने के चांसेस शायद कम हो और ज़्यादा भी होते हैं तो कोई इशू नहीं है ये एक बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एमी ऑर्गेनिक्स अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियर्स पे जाएंगे देखिए डेट फ्री एटी टू परसेंट का डेट है ओके okay, टेन का फेस वैल्यू है और चौदह का हाइस्ट प्राइस पे ये जाके स्मॉल कैप कंपनी है आर ओ काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है जब सब चीज यहाँ पर सामने नजर आती है तो ऐसी कंपनी को छोड़ने का

लोग बेच रहे हैं कोई परेशानी नहीं है हमें यहाँ पर खरीदना है क्योंकि अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉम शेयर है तो इसने यहाँ पर खरीदा है इसके अलावा एक और कंपनी से रिलेटेड हमने यहाँ पर दाव लगाया आज की डेट में जिसका नाम है हरन भाई इंडस्ट्री हरन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एक बेहतरीन सपोर्ट पर ये भी शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है छत्तीस के आर पे ट्रेड कर रहा है इसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो ये जब से शेयर आया है मार्च से अभी तक लगभग सात आठ महीने हो चुके हैं ये शेयर ने अभी ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पर टच नहीं किया है और अभी और बट इसके जो फंडामेंटल्स है इसके फंडामेंटल्स काफी इम्प्रेसिव है और ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कंपनी अगर नहीं चल रही तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगता है कि एक कंपनी चलेगी यहाँ पर हाई देखिए नौ का है ऑलरेडी डेट फ्री कंपनी आर ओसी आर काफी बेहतरीन है और 19 के पीई पे चल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट एवर रिटर्न देने वाले यहाँ पर और भी बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए पाँच साल में दुगना होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर जब सब चीज़ नजर है अच्छी खासी नज़र आ रही है प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है ओके तो एफ ने थोड़े से कम करे डी ने कम करे हैं यहाँ पर और बट एफ यहाँ पर किसने बढ़ाया है यहाँ पर प्रमोटर्स ने बढ़ाया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी चीज मिलती हुई नज़र आ रही है एक अच्छे सपोर्ट पे पहले भी सपोर्ट यहाँ पर था इससे पहले सपोर्ट यहाँ पर था यहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर गई चीज़ें तो अच्छी खासी चीजें अगर मिले तो यहाँ पर खरीद लेनी चाहिए मैंने तो यही सीखा है तो उसी बेसिस पे हम काम कर रहे हैं और कप विद हैंडल पैटर्न टाइप में हैंडलताई पर एक चार्ट पैटर्न भी बन रहा है जो कि पर कप ये हैंडल ऊपर निकलता हुआ दिख जाएगा और अच्छे खासे रिजल्ट आए तो और भागता हुआ नजर आएगा वरना थोड़ा सा रिट्रेस होगा फिर यहाँ पर हम सोच सकते हैं इसके अलावा एक और पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड हम यहाँ पर खरीदारी करिए जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रोटेंशियल्स आईसीआईसीआई आईसीआई थोड़ा सा यहाँ पर फिफ्टी डीएमए के आसपास हमने खरीदारी करी है ओके यहाँ पर छे सौ पचपन के आसपास की बट यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा गिरावट हो चुकी है और इसके रिजल्ट माइंड ब्लोइंग HDFC लाइफ से बेहतरीन शेयर मुझे यहाँ पर ये यह नजर आता है चार सौ पे जब ये शेयर था यहाँ पर हमने खरीदारी करी थी आपको बताया था उसके बाद 800 सौ रुपए साढ़े सात सौ का लेवल इसके बाद दोबारा यहाँ पर अगर हम देखें शेयर यहाँ पर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है बट एक मुझे नहीं लगता ज्यादा गिरेगा क्योंकि एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल यहाँ पर नजर आता है फिर भी थोड़ा सा गिर गया तो शायद दस बीस तीस रुपए की और गिरावट हो सकती है उससे ज्यादा नहीं हो रही और ये शेयर में डिप्स करके खरीदे खरीदारी करेंगे तो और बेहतरीन ये शेयर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा अच्छी आर अच्छे खासे रिजल्ट अच्छे खासे सब कुछ रिजल्ट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी कि चीजें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ देखिए डेट फ्री कंपनी है ओके फोर्टीन परसेंट कई डेट है और यहाँ पर देखिए लार्ज कैप कंपनी है कोई प्लेजिंग नहीं है दस की फेस वैल्यू है ऐसी शेयर यहाँ पर स्प्लिट और बोनस भी देते हैं और हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो देखेंगे ना आप रिजल्ट तेईस हजार एक सौ इकसठ करोड़ की सेल्स हाईएस्ट ऑफ सेल्स है इस क्वार्टर की हाइएस्ट है ऑफ प्रॉफिट है इस क्वार्टर का ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे यहां पर देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस चौदह करोड़ से यहाँ पर नब्बे करोड़ तक पहुंच गया तो ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी बेहतरीन है एफ आईस की होल्डिंग यहाँ पर देखिए 17% है डीआई की होल्डिंग याद देख लीजिए यहां पर देख लीजिए प्रमोटर्स की होल्डिंग पब्लिक के पास हिस्सेदारी बिल्कुल ना के बराबर है यहां पर 3% की हिस्सेदारी नजर आती है पब्लिक के पास तो ऐसे शेयर को नहीं छोड़ना ऐसे शेयर जब नीचे मिले तो यहां पर खरीददारी करनी है तो ऐसे ऐसे पोटेंशियल्स इसके अलावा आईएक्स आई एक्स के रिजल्ट कल की डेट में आने हैं बेहतरीन रिजल्ट आएंगे इसकी कोई बात ही नहीं है इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है और शेयर की बात करें तो शेयर साढ़े नौ सौ रुपए से यहाँ पर डेढ़ सौ रुपए करेक्ट हो चुका है और डेढ़ सौ रुपए करेक्ट होने के सॉरी दो सौ रुपए करेक्ट हो चुका है और दो सौ रुपए करेक्ट होने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है करेक्शन हो गया है यहाँ पर से चीजें यहाँ पर ऊपर जानी है दो तरीके से यहाँ पर शेयर चुने जाते हैं या तो नीचे खरीदारी करो या फिर टॉप पर चल रहा हो ओके जब यहाँ पर बार बार इसी लेवल पर घूम रहा घूम रहा हो इट ब्रेकआउट के तो यहाँ पर पोलन फ्लैग बना के हजार

कॉन्टैक्ट तो करें या ना करें, बट यहाँ पर भी उन्हें अच्छे खासे शेयर यहाँ पर बता देते हैं तो यहाँ पर अच्छे खासा शेयर किम्स अच्छे खासे यहाँ पर बात करें तो बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट लेके ओके ये शेयर यहाँ पर ये अपनी कैंडल चेंज कर रहा है और यहाँ पर देखिए 35 के आर पे शेयर ट्रेड कर रहा है और ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है पोल एंड फ्लैग बनाते हुए चीजें ऊपर निकलती हुई नजर आएगी एक बार रिजल्ट आ गए अच्छे रिजल्ट आने की आशंका पूरी है और रिजल्ट अच्छे आते ही साथ ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है कोई ऐसा हमेशा शेयर नहीं है तो इस चीज के और लक्ष्मी हमने एक और शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक ओके okay, पर कल की डेट में हमने यहाँ पर सेल आउट कर दिए थे अपने शेयर आज की डेट में पर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी यहाँ पर खरीदने की कल की डेट में शायद और गिर सकता है थोड़ा बहुत तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है ओके okay, अगर ये कल की डेट में गिरा अगेन आई विल बाय डिप्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक क्योंकि काफी फंडामेंटली स्ट्रॉग शेयर है इस बार के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे बट फिर भी यहाँ पर बाय और डिप्स करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे ये शेयर पोल एंड फ्लैग पोल एंड फ्लैग बना के शायद थाउजेंड रुपीज को टच कर लेगा बहुत जल्दी तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा कल की डेट में एक शेयर और मैंने यहाँ पर निकाला था यही वाला सुवन बीएलडब्ल्यू और आज की डेट में यहाँ पर दोबारा मैंने पोजिशन बनाई है क्योंकि यहां पर बेहतरीन शेयर है इसे मैं खोना नहीं चाहता अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो पोर्टफोलियो का हिस्सा है यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा था पता थी नीचे गिरेगा मार्केट तो इसलिए पहले ही भेज दिया था और यहाँ पर फिर यहाँ पर पोजिशन बनाई है और गिरेगा बायो एंड डिप्स करके यहाँ चीजों को लिया जाएगा तीस परसेंट की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है तो ये सारे के सारे शेयर थे जो मैंने आपको बता दिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना मेरे को अच्छे लगते हैं मेरे पोर्टफोलियो के हमेशा हिस्से रहे हैं ये शेयर तो मैंने और इनमें क्वांटिटी बढ़ाई है या कोई सेल कर दिया था तो मैंने इन्हें दोबारा बाय ऑन डिप्स करके यहाँ पर खरीदारी कर रहा हूँ तो वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करिए ये स्टॉक्स थे जो मैंने यहाँ पर आज की डेट में खरीदे इस वीडियो को जाके देख लीजिए कल की डेट में यहाँ पर काफी सारे शेयर आई विल बॉट अगेन आई विल बाय अगेन सॉरी और अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरी वीडियोस को देखिए अगर हमें हमसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं या फिर पर्टिकुलर आ, हम हमसे स्टॉक से रिलेटेड श्ट, नॉलेज लेना चाहते हैं तो वीडियो को भी देखिए वरना व्हाट्सएप पे यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर है डिस्क्रिप्शन में हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस